मैं तेरे को समझा समझा के दुखी हो गई हूँ, तेरी समझ में क्यों नहीं आती है? अरे बेटा मैं क्या करूँ, मैं खुद इन झंझटों से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। ये है सुशीला और जो उनके सामने खड़ी है वो है उनकी बेटी नीलम। हालांकि नीलम की शादी हो चुकी है लेकिन वह अपने पति से लड़ झगड़ कर ज़्यादातर अपने माँ के पास ही रहती है। यह है इनकी नातनी छुटकी। ओहो आ गई मेम साहब, कहाँ से घूम कर आ रही हो? घूम कर नहीं आ रही हूँ बुआ, अपने सहेली के यहाँ से पढ़ाई कर कर आ रही हूँ। लो सुन लो माँ, अपने घर में तो पढ़ाई हो नहीं सकती है, सहेलियों के यहाँ जाके पढ़ाई होगी। क्यों मैम साहब, अपने घर में क्या कोई कमी है जो तुम दूसरों घर जाके पढ़ाई कर रही हो? अब तुम्हें क्या समझाऊं मैं, तुम्हें समझाना बिल्कुल बेकार है। देख रही है माँ कैसे मुँह चला रही है अपनी बुआ से? इसमें मुँह चलाने वाली कौन सी बात है बुआ, आप हमेशा उल्टी बात करती हो। मेरे पास वो बुक थी नहीं, मेरी सहेली के पास थी, तो मैंने सोचा उसके घर से ही पढ़ आऊं, तो इसमें क्या गलत हो गया? वो तो बेटा हमें सब मालूम है कितनी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, तुम अपनी माँ की आग में धुल झक सकती हो, बुआ से नहीं बच सकती हो तुम। अभी भी समय है माँ, समझ जाओ नहीं तो बहुत पछताओगी आगे। इसके पैरों में जंजीर डाल दो, नहीं उड़ जाएगी किसी दिन। देखिए बुआ, तुम मेरे बारे में फालतू बातें मत करो, मैंने तुमको कितनी बार कहा है, मेरे मामले में मत पड़ा करो, अपने आप से मतलब रखा करो। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, मैं तो अपना काम करूँ अंदर जाके। हाँ जा भाई जा, तेरे तो बहुत काम पड़े ना अंदर। क्या करूँ, कुछ लोग तो ऐसे इन पे कोई काम ही नहीं होता, दूसरे घर आके बैठ जाते हैं, पर भाई हमें तो बहुत काम है। देख रही हो ना नेक्स्ट सी लड़की कैसे सुना गई मुझे। अरे तो क्या मुँह लगती है उसके, तेरे को कितनी बार समझाया लेकिन तेरी समझ में भी नहीं आती, तेरे पे भी तो चुप नहीं बैठा जाता। हाँ भाई तुम्हें तो अपनी नातनी सही लगेगी, अपनी लड़की क्यों सही लगेगी तुम्हें, तुम्हारी लड़की तो हमेशा गलत है ना। मुझे क्या करना, जैसा करोगी वैसा भरोगी, मैं तो चली अपने कमरे में। सुशीला बेचारी इसी संकट में पड़ी रहती है कि वो अपनी लड़की के पक्ष में बोले या अपनी नातनी के पक्ष में। माँ हो माँ, अरे अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो? ये गुस्सा ना तुम्हारी ननद के चक्कर में आ रहा है मुझे। अरे भाई अब क्या हो गया, क्या फिर बुआ से लड़ी तुम? बुआ भतीजी की लड़ाई कब शांत होगी? हाँ क्यों नहीं, मैं तो लड़ाकू हूँ ना, वो तो बेचारी बहुत सीधी साधी है ना। अरे तो क्या बात हो गई, बताओ तो सही, बात क्या होगी? तुम्हें नहीं पता उनके बारे में, हमेशा ताने मारती रहती है। मैं अपने सहेली के यहाँ से पढ़कर आ रही थी, मैंने क्या उल्टा सीधा कहने लगी दादी से। देखो माँ मैं उनके ताने और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, आप उनसे साफ साफ कह दीजिए अपने ससुराल चली जाए, हर समय यही पड़ी रहती है। अरे पागल लड़की, ये उनका भी तो घर है, वो इस घर की लड़की है ना, और ऐसे नहीं कहते अपनी बुआ जी के बारे में, मैं उनसे कैसे कह दूं जाने की? उनका जब मन होगा तब चली जाएंगी, उनका मन तो कभी नहीं करता यहाँ से जाने का। तुम ना माँ कितनी सीधी हो, तुम्हें कब अकल आएगी? तुम्हें कुछ पता है वो तुम्हारे बारे में क्या क्या कहती रहती है दादी से? अरे तू छोड़ उन बातों को, किन बातों पे ध्यान दे रही है तू, सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। मैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लूंगी, जरा तुम भी ध्यान दे लो, नहीं तो माँ बहुत पछताओगी बाद में। हाँ ठीक है मैं देख लूंगी, तू मत लगा कर अपनी बुआ के, वो तुझसे बड़ी है ना, अगर कुछ कह देती तो सुन लिया कर। तुम ही बहुत उनके सुनने के लिए, मेरे पहले सुना जाता, कह देना उनसे मुझसे ज्यादा बकवास नहीं करा करें। ठीक है ऐसे नहीं बोलते, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे खाना दे दो, मैं मुँह धो के आ रही हूँ जब तक। ठीक है जा शांत हो, मुँह धो के आ, मैं खाना लगाती हूँ जब तक। हे भगवान इन बुआ भतीजी की लड़ाई खत्म कर दो, मैं तो बहुत दुखी आ चुकी हूँ। बेटा नीलम तूने अपने ससुराल जाने के लिए क्या सोचा है? ससुराल जाने के लिए क्या सोचा, क्या सोचूं मैं ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ पे मेरी कोई इज्जत ही नहीं हो? अरे बेटा अब तो गुस्सा थूक दे, ऐसे नहीं करते हैं, आकर तुझे रहना तो वही है। देखो माँ मेरा दिमाग तो खराब करो मत ही, तुम्हें मैं यहाँ भारी लग रही हूँ ना, तो मैं चली जा रही हूँ यहाँ से भी। अरे तू समझती नहीं है, झगड़ने लग जाती है हाल, बात को समझा तो कर। क्या समझूँ अब, जब अपनी माँ को ही मैं भारी लग रही हूँ तो क्या करूंगी यहाँ पे रह के, मुझे माँ भी नहीं रहना और यहाँ भी नहीं रहना। हे भगवान तुझे कैसे समझाऊं? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। माँ जी। हाँ बोल बहू। माँ जी मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, तो क्या मैं 2 दिन के लिए माँ के पास चली जाऊँ? क्या माँ की तबीयत खराब है तेरी? हाँ माँ जी मैं सोच रही हूँ अपनी माँ के पास 2 दिन रह के आ जाऊँ, उनको अच्छा लगेगा। अच्छा तू 2 दिन के लिए जाना चाह रही है, पर वो राजू ने क्या कहा है, तूने राजू को बताया? हाँ हाँ माँ जी मैंने उनसे बात कर ली है, उन्होंने हाँ कर दी है कि चली जा, बस आपसे पूछना बाकी था। अच्छा हाँ कर दिया राजू ने, तो फिर चली जा। चली जाऊँ माँ जी, मैं 2 दिन में आ जाऊंगी।
और मैं छुटकी को यहाँ पे छोड़ जा रही हूँ, वो आपकी देखभाल कर लेगी। अरे भाई उसे भी ले जा, उसे क्यों छोड़ जा रही है? अरे नहीं माँ जी, वो वहाँ जाके क्या करेगी, यहाँ कम से कम आपको पानी वगैरह तो दे देगी। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। ये बता माँ, तेरे में बुद्धि है क्या? नहीं, तूने एक बार में कैसे यहाँ कर ली, मना नहीं कर सकती थी क्या? अरे अब क्या मना करूँ, उसकी माँ की तबीयत खराब है ना, तो उसको देखने जा रही है वो। और फिर मैं ही मना करूँ, राजू ने तो हाँ कर दी है, मैं ही क्यों बुरी बनूँ? राजू में अकल है का? वो तो पागल हो गया अपनी लुगाई के चक्कर में, उसे तो उसकी सबरी बातें सही लगती है। अरे तो मैं क्यों मना करूँ, खाने वगैरह की परेशानी उसे नहीं होगी, वो भी तो सब कुछ जानता है ना, तो वो भी तो मना कर सकता ना। अरे जाओ, वो कुछ बोल सकता है इसके आगे? और एक बात बताओ, उसकी माँ की तबीयत खराब है तो वो उसके पास 2 दिन के लिए रहने जा रही है, और यहाँ पे तुम्हारी भी तो तबीयत खराब रहती है। अब वो वहाँ पे 2 दिन के लिए चली जाएगी तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अब आ गया ना यहीं पे फर्क, अपनी माँ का दर्द तो बहुत जल्दी समझ में आ गया, और तुम्हारा दर्द समझती है ना अभी। हाँ ये बात तो तू सही कह रही है, अब भाई भी उसकी माँ है, हम कौन है? हम तो सास हैं, हम भली मरते रहे, हम उसकी माँ की जगह थोड़ी ले लेंगे। यही बात तो तुम्हारे दिमाग में डालना चाहती हूँ कि थोड़ा कर्री बन के रहा करो, नगर बातों पे टोका भी करो और किसी चीज की मना भी किया करो, हमेशा हाँ मत कर दिया करो, लेकिन तुम्हारी समझ में कहाँ आती है? कह तो सही रही है नीलम, आज तक मैंने इसको किसी चीज की मना नहीं करी है, ये शायद उसी का फायदा उठाती है। यही तो समझाना चाहती हूँ तुम्हें, वो बुलंद वर्गीय लड़की देखी है इसकी, कितना मुंह चलाती है मुझसे। माँ तुम मेरी बात का विश्वास मानो या ना मानो, ये दोनों माँ बेटी है ना, मैंने क्या क्या कहती होगी तुम्हारे और मेरे बारे में। अब मैं क्या करूँ नीलम, वो हमारा लड़का है ना, सबरी कमी तो उसी की है ना। छोड़ अब, कौन मूड मारे इनसे, जैसा करेगा वैसा भुगतेगा वो। ला शाम हो गई है, चाय बना के लाती हूँ। अरे बना लेंगे चाय, बैठ जाने को, और उसकी मौली से कह देना भाई छोड़ तो गई है तुम्हें देखभाल के लिए, वो बना लाएगी चाय। अरे बना ली उसने चाय, आज तक चूल्हे पे बैठी भी है वो। भैया हमारे तो हाथ भी चल रहे हैं, हम अपने आप कर लेंगे अपने लिए। अम्मा। हाँ क्या हुआ? अम्मा मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ पढ़ने, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अरे शाम होने वाली है, आपकी सहेली घर जाएगी, तू घर पे पढ़ लेना। अरे नहीं अम्मा, हमारे पास एक ही किताब है ना, तो हम दोनों मिलकर पढ़ लेते हैं। ठीक है जल्दी लौट के आइयो, अंधेरा होने से पहले घर में आ जाइयो। ठीक है अम्मा। तेरे को तो समझाना ही बेकार है, अभी तो समझाया था मैंने, भूल गई थी जल्दी, फिर एक ही बार मैं हाँ कर दी। मैं पता तो कर कौन सी सहेली है इसकी, जो किसके घर में जाती है। हाँ सही कह रही है तू, ला अभी पूछती हूँ। रुक छुटकी रुक। हाँ बोलो अम्मा। जे बता तेरी कौन सी सहेली है, मैंने तो कभी देखी नहीं है, किसके घर पे जाती है तू पढ़ने? अरे अम्मा आप नहीं जानती है उसे, वो मेरे स्कूल के पास ही रहती है, वो घर पे कभी आई नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं है, पर माँ जानती है उसको। अरे तो हमें भी तो खबर होनी चाहिए कि तू किसके पास जा रही है, कौन है वो लड़की, उसका घर कौन सा है। भैया आजकल जमाना बड़ा खराब हो गया, पता नहीं चलती है सहेली है कि सहेला है। मैंने तुमको कितनी बार कहा है तुम मेरे बीच में मत बोला करो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती है। सुंदरी लड़की जवान संभाल के बात करा कर, अपनी मैयो मत समझियो मुझे, तेरा नाम लेके कहा है मैंने, तुझे क्यों इतनी बुरी लग रही है? मुझे सब पता है कि तुमने ये मेरे कान में जहर उगला है ना, तुम क्या सोचती हो बुआ कि मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में, कि तुम अम्मा से क्या क्या कहती रहती हो मेरे बारे में और माँ के बारे में। अरे कुछ कह नहीं रही है, सिर पे चढ़ी जा रही है, कल की लड़की हमसे जबान चलाएगी, क्या कहती हूँ तेरी और तेरी माँ के बारे में। एक बात हो तो बताओ ना, तुम तो पूरे दिन अम्मा से लगी रहती हो कुछ ना कुछ कहने में। सुनी लड़की अगर इतना ही बुरा लगता है ना, तो चली जाए अपने मैया के संग कहीं और, कर रह रही है इस घर में। अरे ये कौन सी बात हुई, तुम अपनी ससुराल छोड़ के यहाँ पड़ी हो और हमसे कह रही हो हम घर छोड़ के चले जाए, हमारा तो घर यही है, तुम जाओ ना अपनी ससुराल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देख रही है माँ कैसे मुँह चला रही है मुझसे। क्यों लड़की तमीज भूल गई है क्या बात करने की, तेरी बुआ जी बहुत देख रही है तुझे, ढंग से बात करा कर इससे। चला जी बात इन्हें अभी तो सिखा दो कि जी कैसे बात करती है छोटों से। मुझे सब पता है, ये सबरी से सह मिल रही है ना, वो कौन दे रहा है तुझे? अच्छा तो बताओ कौन दे रहा है? जो तू इतनी मुँह चला रही है ना, वो सब तेरी माँ सिखा रही है तुझे, तू क्या सोचती है मुझे खबर नहीं होती तुम दोनों की, मैं यहाँ पर रहती क्या हूँ, तुम दोनों की आंखों में खटकती रहती हूँ। अगर सब पता है ना तो काय को रहती है यहाँ पे, अपने ससुराल जाओ ना। सुन लड़की, ये मेरे बाप का घर है और मैं जितना चाहूँ उतना रह सकती हूँ यहाँ पे, और तू होती कौन है मुझे बताने वाली कि मुझे कहाँ रहना है। चली बहुत मुँह चला लिया तूने, तू जा अपनी सहेली के घर। ये तो मुँह चला ही नहीं रही होंगी, मेरा मुँह दिख रहा है तुम्हें तो,
देख रही है माँ कैसे मुँह चला रही है तुझसे? सब देख रही हूँ, आज अंदेश की मैया को फिर बताऊंगी इसे, अब तू चुप हो जा। अरे मैंने इसे क्या कहा था, मैं तो चुपचाप बैठी थी तुम्हारे पास, जेल चलने लगी मुझ पे। हाँ क्या नहीं, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, तुम्हारे मुंह में से तो आवाज नहीं निकलती है। अब तू चुप हो रही है कि नहीं हो रही है? देख अम्मा, तू बुआ से कह दे कि मुझसे फालतू की बातें नहीं करा करे, मुझे मम्मी नहीं समझे, मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। अच्छा तो तू क्या करेगी, क्या करेगी बता? अरे छोड़ ना, अब चुप हो जा। मुझे क्या चुप करवा रही हो, इसे नहीं देख रही हो ये नेक्स्ट लड़की कितना बोल रही है? उससे भी तो कह रही हूँ, दोनों में तो कोई मानना है। मैं बड़ी होकर चुप हो जाऊँ, वो इतनी छोटी होकर चुप नहीं हो सकती है, मतलब मैं मान जाऊँ, मेरी गलती थोड़ी है। हाँ हाँ उसे भी चुप करवा रही हूँ, चल तू जा यहाँ से अब। चल मैं तो जा ही रही थी चुपचाप पढ़ने, लेकिन बुआ की तो आदत है ना हर चीज में टांग लगाने की। सुन रही, मैं अपनी आंखों के सामने सब गलत काम होते नहीं देख सकती हूँ, इस बारे मुझे समझाना पड़ता है मैया को। मुझे क्या देख नहीं रहा तुम लोग कैसा व्यवहार रख रहे हो उसके संग? कैसा व्यवहार रख रहे हैं बता, कैसा व्यवहार रख रहे हैं? तुम ना बुआ कभी नहीं सुधर सकती हो, तुमने ऐसी झेर अपने ससुराल में बोला जिसकी वजह तुम यहाँ पड़ी हुई हो, अब यहाँ पर आके भी तुम झेर बोल रही हो, अब हमारी भी जिंदगी नरक बनाना चाहती हो क्या? लड़की अपनी जवान को संभाल ले, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। सही कह रही हो, वैसे भी तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं। अरे चुप हो जाओ भाई, कॉलेज खत्म करोगे नहीं? हाँ क्यों नहीं, मेरी तरफ देख कर तो बोलोगी, तुम्हारी नजर में तो मैं ही कलेश हूँ ना, मैं ही गलत हूँ ना, तो ठीक है मैं ही चली जाऊंगी इस घर से, रहो तुम लोग मरो। सुन लड़की, तेरे को तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी तू जा यहाँ से। मुझे क्या बताओगी, जो बताना अभी लड़की को बताओ। हाँ जी हाँ, आप वीडियो देख रहे हो, आप इसे कह रही हूँ। अब मुझे ये बताओ मैं किसकी तरफ बोलूँ, अपनी इस लड़की की तरफ बोलूँ या अपनी इस नातनी की तरफ बोलूँ? मैं तो बहुत संकट में फंस गई हूँ, आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैं किसकी तरफ बोलना चाहूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप वीडियो तो देख लेते हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोगों से निवेदन है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।